एक बार फिर स्वागत करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर प्रभु श्री राम आ रहे हैं। आप कहेंगे अभी अभी तो प्रभु श्री राम आए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप क्या बोल रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं, अभी अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्रभु श्री राम आए हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं। हम समझा देते हैं, आप लोगों ने रावणन सागर की वो रामायण तो देखी होगी। एक बार फिर रामायण आ रही है, उनके मेकर जो है वो कहानी लाने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार राम के रूप में अरुण गोविल नहीं होंगे, इस बार सीता माता के रूप में दीपिका नहीं होंगी, और इस बार लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी नहीं होंगे, इस बार दारा सिंह नहीं होंगे। तो इस बार कौन होगा और किसने बताया कि एक बार फिर रामायण आ रही है, कौन इसकी कहानी लेकर आ रहा है, क्या रामानंद सागर का ही कोई है जो रामायण की कहानी को लेकर आ रहा है, क्या दूरदर्शन पर रामायण नई वाली रामायण दिखाई जाएगी, राम कौन होगा, सीता कौन होगी, लक्ष्मण कौन होगा। चलिए घबराइए नहीं, और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि अब रामायण कैसी बनने वाली है। भारत में सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने वाला जो टेलीविजन शो है रामायण, उसके मेकर्स और नया क्या लाने वाले हैं, और रामायण की कहानी को लेकर क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों के दिल में एक्साइटमेंट होगी। तो चलिए आपको बता देते हैं रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने क्या कहा है, क्या खुलासा किया है, वो हम आपको बता देते हैं। प्रेम सागर जो कि रामानंद सागर के बेटे हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि वो नए शो की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने साथ ही में ये भी बताया है कि ये कहां पर स्ट्रीम होगा। प्रेम सागर ने कहा कि हमारी जो टीम है वो सही राम को ढूंढने के लिए दिन रात काम कर रही है, जैसे ही हमें कोई मिलेगा हम इसकी घोषणा करेंगे। ये ऐसा काम है कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा, राम ढूंढना इतना आसान नहीं है। लोगों के दिलों में आज भी अरुण गोविल राम की तरह बसे हुए हैं, और आज भी वो रामानंद सागर की ही जो रामायण है उसे ही याद करते हैं, उसके बाद जितनी भी रामायण बनी है, लेकिन लोगों के दिलों में रामानंद सागर की वही रामायण है जिसमें अरुण गोविल राम है, लोग आज भी उन्हें राम के रूप में देखते हैं, जिसमें दीपिका सीता है उन्हें आज भी उन्हीं रूप में देखा जाता है, और सुनील लहरी को लक्ष्मण के रूप में देखा जाता है। लेकिन अब एक दोबारा रामायण आएगी, और प्रेम सागर ने आगे ये भी बताया कि वो नए राम की खोज कर रहे हैं, और वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कभी राम का रोल नहीं किया है, वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके मन में जो राम है वैसे ही वो किसी को साइन करना चाहते हैं, जिस तरह से उनके दिमाग में वो बना हुआ है कि राम ऐसे होंगे, वो वैसे ही किसी को ढूंढ रहे हैं, और उसी से राम का रोल करवाएंगे और वैसे ही वो साइन करेंगे। उन्होंने कहा राम विष्णु अवतार है जो कहीं भी नहीं दिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ। प्रेम सागर ने आगे ये भी बताया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस रामायण का डायरेक्शन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाऊंगा, लेकिन इसके जो एपिसोड्स हैं उनका जो निर्देशन है वो कोई और करेगा, और टेक्निकल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पुरानी रामायण में से कोई भी इसमें नहीं होगा अगर टेक्निकल कॉन्सेप्ट से देखा जाए, और राम लक्ष्मण सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पर चेंज किया जाएगा, जैसा कि इंफॉर्मेशन सुनने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर प्रेम जो सागर हैं वो थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, या कह लीजिए उन्हें लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि लोग जो है अब इसकी तुलना करने के लिए बैठे हुए हैं, वो पुरानी रामायण को और नई रामायण को जरूर यहाँ पर उनकी तुलना करेंगे और अपने अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उसे रखेंगे। उन्होंने कहा देखिए मैंने कभी इस बारे में चिंता नहीं की है, मुझे लगता है कि ये भाग्य है और मैं सिर्फ एक इसका जरिया हूँ, यदि बिना कहे राम को विष्णु के रूप में लाने का जरिया बनने के लिए भाग्य मुझे दिया जा रहा है तो कुछ पावर तो हमें हमारे कुलजन देवजन गुरुजन को देना होगा। तो यहाँ पर प्रेम सागर ने ये बताया जब उनसे पूछा गया कि जो नई रामायण है उसे कहाँ पर दिखाया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा, सैटेलाइट चैनल एक अलग तरह के राम को दिखाएगा, लेकिन दूरदर्शन में जो चुनौती है वो बड़ी है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो जिसे देखते हैं उसे ही भगवान मान लेते हैं। तो यहाँ पर
बहुत ही ज्यादा जो लोग हैं वो भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन तक ये खबर पहुंच गई है कि अब एक बार फिर रामायण आएगी। लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है और ये जानना जरूरी है कि राम कौन होंगे, सीता माता कौन होंगी, लक्ष्मण कौन होंगे और बाकी कैरेक्टर्स कौन कौन होंगे। फिलहाल ये न्यूज़ आई है और इस पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तमाम सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।